हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास नाइन्थ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर चालू है हमारा टॉपिक, ठीक है। आज का अपना ये लास्ट पीरियड होगा इस चैप्टर का, आज में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने नर्वस कंट्रोल पढ़े, अब पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कंट्रोल। डी वाला पोर्शन लास्ट वाला भाग, केमिकल कंट्रोल कंट्रोल केमिकल कंट्रोल। तो ये केमिकल कंट्रोल क्या है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज आल्सो ब्रॉट अबाउट बाय सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस एंड दैट सब्सटेंसेस इज नोन एज हार्मोन। क्या कहते हैं उसको, हार्मोन कहते हैं। मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो काम है कुछ केमिकल किसके द्वारा होता है, अपने शरीर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स को क्या क्या कह दिया गया है, हार्मोन्स कहा गया है, ठीक है। एंड दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं कि शरीर के अंदर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। शरीर के अंदर हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं कि वो हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। समझ में आ गई बात, क्या कहते हैं उसको, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। द ग्लैंड्स डू नॉट हैव एनी अरेंजमेंट ऑफ देयर ओन आर आइदर स्टोर कैरी देयर सिक्रेशन। इन हार्मोन्स में कोई पाइपलाइन नहीं होती, कोई ट्यूब नहीं होती, या अपना जो हार्मोन बना है उसको स्टोर करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। सीधे ये जो हार्मोन, ये जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन हार्मोन को सीक्रेट करने के बाद में डायरेक्ट कहाँ छोड़ देते हो, ब्लड में। कहाँ छोड़ते हो, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देते हैं। उसके पास में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है कि वो उस हार्मोन्स को स्टोर करे या हार्मोन्स को स्टोर करे या वो कोई वहां तक जहां आवश्यकता वहां तक पहुंचाने के लिए उसके शरीर में कोई पाइपलाइन नहीं है, ऐसी कोई उसके पास सिस्टम नहीं है। इसीलिए इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको, डक्टलेस ग्लैंड। समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, हेंस एसुरे जब जो आपको बताया मैंने कि वो सीधा जो ब्लड है, सॉरी दोस हार्मोन्स आर मिक्स डायरेक्टली इन द ब्लड, ठीक है। एंड दिन और जहां जहां उसकी आवश्यकता पड़ती है उन हार्मोन्स की ब्लड के माध्यम से सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। दीज हार्मोन्स आर प्रोवाइडेड बाय ब्लड टू नीडी प्लेसेस, जहां जहां भी उसकी आवश्यकता है वहां तक वो पहुंचाया जा सकता है। समझ में आया बात है कि नहीं। और ये जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक लोकेशन इन आवर बॉडी। अपने बॉडी में स्पेसिफिक लोकेशंस में ये है, कहां पर है ये स्पेसिफिक लोकेशंस में रखी हुई, रखा गया है इनको, मतलब डेवलप होते हैं, हर जगह नहीं होते, एक स्पेसिफिक जगह पे ही इनके ये बनते हैं और वो वहां से क्या सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलोंग विद नर्वस सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। समझ में आएंगे, दिस टू सिस्टम्स हेल्प, ये दो जो सिस्टम्स है, दिस टू सिस्टम्स हेल्प ईच अदर एंड कंट्रोल इंटीग्रेट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, आप ये कैसे सीक्रेट होते हैं, अपने को मालूम है जिनको डायबिटीज होती है। डायबिटीज क्यों होती है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में यदि बढ़ जाए, है ना, तो ऐसे लोगों का बोलते हैं कि शुगर बढ़ गया, डायबिटीज शुगर लेवल बढ़ गया, बोलते हैं ना। तो हमारे शरीर के अंदर में
उस शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है उसका? इंसुलिन। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा हार्मोन्स है वो? इंसुलिन। क्या काम करता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है वो? शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये शुगर लेवल यदि ब्लड में बढ़ गया तो इंसुलिन नाम का नामक हार्मोन जो है अपने शरीर में लीवर में पैनक्रियास के अवयव है, ऑर्गन है, ठीक है, वहां से ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है और जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी एज पर नीड, ठीक है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, जैसी जितनी आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए शुगर की मात्रा यदि बढ़ गई तो वो इंसुलिन का बनना शुरू हो जाएगा, जबरदस्ती में इंसुलिन ज्यादा का नहीं बनेगा, जितनी आवश्यकता है उतनी, और कभी कभी भी इनके बिगाड़ आ जाता है उसी इंसुलिन निर्माण होने की प्रक्रिया को, तो फिर थोड़ा ही इसमें डाल देता है। समझ में आ गई बात? तो नॉर्मल आदमी के शरीर में ये इंसुलिन नामक हार्मोन अपने आप ये बनते रहता है। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? इतना ही था इसमें, इतना ही बचा था तुम्हारा इस चैप्टर इस लेसन में, ज़्यादा बचा हुआ नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा समय है अपने पास तो हम देख लेते हैं। अपने बुक्स खोलिए आप अपनी, ठीक है, और इसको आप सिर्फ याद करना है आपको कौन सा ग्लैंड कहाँ होता है। जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है, लोकेशन इसका एबोव द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, इन द फोर ब्रेन, अपना जो ब्रेन होता है ना ब्रेन में कौन सा ग्लैंड होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। तो ये कहाँ होता है? अपने ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद में कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है? सीक्रेट द हार्मोन्स विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। शरीर भी हार्मोन सीक्रेट करता है, किसको कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो सीक्रेट करने वाले जो सेल्स है उनको कंट्रोल का काम करना है करता है। तो फंक्शंस क्या हो गया इसका? कंट्रोल एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब ये पूरा चार्ट आपके पास दिखा है, ठीक है, आप अपने दिमाग से इसको आप पढ़ लो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप मुझे कल पूछ सकते हो। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कल से पढ़ेंगे हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये चैप्टर पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर दूसरा केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये चैप्टर, नया चैप्टर हम स्टार्ट करें। समझ में आ गई बात कल से? ठीक है, अपना कोर्स पीछे नहीं है ना, बराबर चल रहा है समय पे?